बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे खुद को नहीं पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। तो टुडे इज 27th of June 2020 एंड तो यार देखो अभी ना सीन ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो है घर वाले परेशान है कि भाई सब घर आ जा घर आ जा घर आ जा। मैं घर नहीं जा पा रहा था, पहले लॉकडाउन था इसलिए मजबूरी थी, उसके बाद में फिर मेरा सेक्टर क्वारंटाइन में चला गया इस वजह से और मजबूरी हो गई, और उसके बाद में फिर अभी मतलब 4-5 दिनों के लिए मैंने खुद एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है 4-5 दिनों बाद आऊँगा। अब घर वाले इज लाइक कि 28 तारीख है, कल आना ही आना है कैसे भी करके। तो भैया अभी जाने के लिए जुगाड़ करनी पड़ेगी ना कि कैसे जाएंगे, तो दो ऑप्शन है अपने पास में, या तो मैं कोई गाड़ी हायर करूँ तो वो तो मतलब ऑप्शन ही खत्म है क्योंकि कोई घंटा कोई नहीं जाने वाला है। दूसरा ऑप्शन है कि बस से जाऊँ, तो बस से जाने से पहले मुझे एक बार ना चेक करना पड़ेगा कि यार बसों में मतलब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि भैया जान है तो जहान है। तो इसी वजह से मैं तुम लोगों को इतने सारे यार आइडियाज़ देता रहता हूँ, इतने सारे सजेशन देता रहता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। बट मैं अपनी ज़िंदगी में खुद ही मैं कन्फ्यूज़ रहता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब भी आज देखो आज 29th of June 2020 और टाइम हो गया है 5:12, ठीक है 5:12 टाइम हो गया, और 29 जून मुझे जाना था एक्चुअली, मैं 28 जून को घर, 28 जून को नहीं एक्चुअली, मैं घर वाले तो बहुत टाइम से बुला रहे हैं, मैं सोच रहा था कि यार 28 जून को मैं ना चला जाऊँगा। परसों से मेरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ घर जाऊँ ना जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ दोस्त के पास मंजीत के पास में, या फिर यहीं रहूँ। अभी फ़िलहाल के मैं बताता हूँ मैंने क्या हालत करके रखी हुई है रूम की। देखो मैंने ये चीज़ मैंने पता मैंने कल रात से मैंने ये सारा का सारा सामान मैंने बिखरा के डाला हुआ है, क्योंकि मुझे ब्लैंकेट भी लेके जाना, इसके अंदर मेरी नेट रखी हुई, नेट भी सोच रहा हूँ मैं घर पे छोड़ के आ जाऊँ, ये कपड़े मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक है पूरा पूरा मैंने खोल के डाला हुआ सिस्टम, और खुद को समझ भी नहीं आ रहा कि अभी मैं घर जाऊँगा या फिर मैं दिल्ली निकलूँगा। यार पता है कन्फ्यूज़न, देखो मुझे जाना घर भी है और दिल्ली का तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट घर जाना ज़रूरी है। देखिए और जाने के लिए मैं फुल रेडी था, मेरे कपड़े सारे सारे पैक हो गए, मुझे बस कपड़े पहनने और मैं निकलने के लिए रेडी हूँ। सेफ्टी पर्पज़ की वजह से मैंने एक जुगाड़ लगाया था, अपने चाचा जी को मैंने फ़ोन किया था एंड आस्क कि उनका कोई जुगाड़ जुगाड़ है जो मतलब रोडवेज में हो, जो मतलब गवर्नमेंट बसेज में हो, जो बस हो, बस ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, जो मुझे सही सलामत मुझे घर पहुँचा सके। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला था कि 8 बजे बस मिलेगी दादरी पे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि 7:20 ऑलरेडी यहाँ पर हो गए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, रीज़न एक्चुअली में ये था कि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ से और अभी अभी बारिश बंद हुई। लुक एट दिस मैन, लेट मी शो यू। देखो भैया तो बस तो मिलने से रही अपने को, क्योंकि अपन हो गए हैं लेट बारिश के चक्कर में, बारिश हो रही थी बहुत तेज़ से तो उस चक्कर में भैया अपन हो गए हैं लेट। तो अभी के लिए एक और जुगाड़ है वैसे मेरे पास में, क्योंकि देखो मेरे यहाँ के लिए बसेस चलती रहती हैं सारी रात मिलेंगी एंड सारे दिन मिलेंगी बसेस, तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे के आसपास मैं यार बस पकड़ लूँ, एंड अगर मैं 10 बजे वाली अगर मैं बस पकड़ता हूँ तो सुबह के आई थिंक 4 या 5 बजे के आसपास मुझे उतार देगी जा करके, जो मतलब अपना रात जो है वो मेरी कंज्यूम हो जाएगी मस्त आराम से ट्रैवलिंग में, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहली पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि यार मेरी सेफ्टी थोड़ी सी यार कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है, एंड उस वजह से मुझे डर लग रहा है, उस वजह से इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि जाऊँगा जाऊँगा, एंड एंड में एक जुगाड़ मिला बट बारिश ने बोल दिया कि भाई साहब नहीं आप इससे नहीं जाओगे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। दिस इज़ नेक्स्ट डे और मैं अभी तक यही हूँ ग्रेटर नोएडा में, इतने रूम में देख रहा हूँ मतलब सामान पूरा पूरा फैला पड़ा है, जो पैकिंग के लिए जो मैंने रखा हुआ था कि घर जाऊँगा, बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे खुद को नहीं पता है। लाइक जो एक लाइफ का एक फेज़ आता है ना जब हमारे दिमाग से ना हम सोच नहीं पाते, हम एक जगह हम स्टक हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता कि आगे जाना पीछे जाना यहीं रुकना या दाएं जाना या बाएं जाना, ऊपर जाना नीचे जाना कहाँ जाना, कुछ समझ में नहीं आता है। आई थिंक वो वाला फेज़ मेरा चल रहा है, क्योंकि मैं 26-27 तारीख से मैं सोच रहा हूँ कि घर जाना है, 27 तारीख को एक्चुअली मुझे घर जाना था एंड अभी आज 30th हो गई है और अभी तक मेरा कोई अता पता नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। डेली सुबह सोचता हूँ उठ के कि जाऊँगा आज दोपहर में निकलूँगा या आज शाम को निकलूँगा, शाम को फिर सोचता हूँ कि नहीं नहीं एक काम करता हूँ सुबह 6 वाली बस पकड़ूंगा, वो पकड़ के निकल जाऊँगा, फिर सुबह फिर भी वही। आई डोंट नो यार क्या चल रहा है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और साथ में पता क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, कितने लोगों के साथ में ये चीज़ हुई होगी, बट मेरे साथ जो पास्ट में बहुत बार हो चुका है, लाइक जो ऐसे डिसीजन मेकिंग के जो जहाँ पर स्टक हो जाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बार हो चुका है, मैं बहुत बार मैं फेस कर चुका हूँ। एंड जो दूसरी चीज़ है कि बात करने में डर लगता है कि सामने वाले इंसान से, कोई भी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपको एक वो होता है ना अंदर से कि यार नहीं यार बात करना भी चाहते हो फिर वो कर भी नहीं पा रहे हो,
वो वाली थोड़ी सी सिचुएशन चल रही है मेरी, आई डोंट नो व्हाई, कोई रीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इस चीज का, बट जो भी है डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, क्योंकि देखो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा झेली अपनी लाइफ में, जब से क्योंकि 10th के बाद मैं घर से बाहर निकल के आ गया, तो मैंने वो चीज़ें झेली हैं जो अच्छे अच्छे की बस की नहीं होती भाई साहब। रेस्ट इज अभी के लिए हमारे पास जो गुड न्यूज़ में है वो ये है कि भैया इंडिया ने टिकटॉक के साथ साथ 58 अदर्स जो ऐप हैं उनको बैन कर दिया, उनमें से जैसे कैम स्कैनर हो गया है, टिकटॉक हो गया है, हेलो ऐप और ये बीगो वगैरह जो इस टाइप के सारे सारे ऐप बैन कर दिए, इधर लिस्ट आ रही होगी ये वाली लिस्ट इन्होंने बैन कर दी 59 ऐप्स की, और सुनने में आया कि भाई साहब पबजी भी बैन होने वाला है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो जो लोग पबजी खेलते हैं तो उन्हें पता है कि भाई साहब पबजी बैन हो गया ना तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और एक वो लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने आज दिन तक साला पबजी डाउनलोड नहीं किया, जिन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि पबजी बैन हो या ना हो, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि पबजी बैन हो, क्योंकि जितनी मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि भाई सर मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो हमेशा पबजी में लगा रहता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा सर पबजी में लगी रहती है, मुझे टाइम नहीं देते हैं, एंड उसकी वजह से ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, साला हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो बैन तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो बैन होना चाहिए, अगर बैन नहीं होता है तो कम से कम टाइम लिमिट होनी चाहिए उस ऐप के ऊपर कि ठीक है आप 24 घंटे के अंदर आप केवल इतने घंटे तक ही आप पबजी खेल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकते हो, वो ज़रूरी है। और देखो रही बात घर जाने की, वो डिसीजन ले लूँगा, डोंट वरी, मैंने ऐसे बहुत सारी मैंने चीज़ें फेस की हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए, जितनी मतलब इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने फेस की, सो उसका टेंशन नहीं है। आज का ज्ञान, जिंदगी में कुछ उलझनों को हालात के ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि हर एक गांठ को सुलझाना हम इंसानों के बस की नहीं है, ट्रू स्टोरी। और बाकी का आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया, अगर पसंद आया देन लाइक कर देना वीडियो को, और अगर नहीं पसंद आया देन डिसलाइक कर देना, और दोनों ही सिचुएशन के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं अच्छी अच्छी वीडियोज ऐसे मैं डालता रहता हूँ, प्लस कमेंट कर देना अपने थॉट्स इस वीडियो को लेकर कि कैसी लगी ये वीडियो और आज का ज्ञान कैसा लगा। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।